हम किस प्रकार का हीरो बनना चाहते हैं? क्या हम इस भौतिक दुनिया के लोगों के सामने हीरो बनना चाहते हैं या भगवान के दृष्टिकोण से हम एक हीरो बनना चाहते हैं? अगर भगवान के दृष्टिकोण से हम हीरो बनेंगे तो ये जो यश कीर्ति जो है ये तो शाश्वत शाश्वत काम के लिए है। लेकिन इस भौतिक दुनिया के जितने भी हीरो हुए हैं और हीरो होंगे वो सब क्या है, वो केवल कुछ समय के लिए हीरो रहते हैं। ऐसा ही एक हीरो के बारे में आज हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे। भौतिक रूप से हीरो नहीं है लेकिन आध्यात्मिक रूप से, वो है श्री नारद मुनि। तो बहुत सारे लोगों को नारद मुनि का जो सही चरित्र है वो पता नहीं है और लोग सोचते हैं कि वो ऐसे ही व्यक्ति था जो कुछ इधर उधर जाकर मजाक करता था। लेकिन वास्तव में नारद मुनि कौन थे? महान के भगवान के अत्यंत महान भक्त थे और वो किस प्रकार इस प्रकार के उत्तम कोटि के भक्त बने उसके बारे में हम श्रीमद् भागवतम से चर्चा करने का प्रयास करें। तो नारद मुनि बनने से पहले अपने पिछले जन्म में श्री नारद मुनि गंधर्व लोक के निवास के निवासी थे, गंधर्व लोक में रहते थे और जो गंधर्व लोक में रहने वाले निवासी जो हैं वो बहुत ही सुंदर तरीके से गाते हैं, नृत्य करते हैं। उनका नाम था उपबल। तो एक बार लेकिन ये जो उपबल था बहुत ही सुंदर था और वहां पर अलग अलग गीत इत्यादि गाते थे। तो एक बार जो स्वर्ग लोक के जो अधिकारी थे जिनका नाम था प्रजापति, तो जो प्रजापति लोगों ने एक संकीर्तन का आयोजन किया। तो ये समझने वाली बात है, ये संकीर्तन आंदोलन जो है कुछ नया आंदोलन नहीं है। ऐसा नहीं है कि श्री प्रभुपाद जी ने इसका आविष्कार किया है, ये कुछ नई बात नहीं है। ये जो संकीर्तन आंदोलन जो है ये शाश्वत आंदोलन है। ये जो हरे कृष्ण महामंत्र का जो संकीर्तन जो है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, संकीर्तन का मतलब है केवल भगवान कृष्ण या विष्णु का कीर्तन। इसको संकीर्तन कहा गया है, किसी और देवी देवता का कीर्तन सही में संकीर्तन नहीं है। शास्त्र के अनुसार हम ये नहीं कह सकते कि काली कीर्तन है, अगर काली कीर्तन नहीं है नहीं हो सकता है, वो कीर्तन नहीं है। वास्तव में शास्त्र के अनुसार संकीर्तन का मतलब है विष्णु कीर्तन या कृष्ण कीर्तन। और ये हरे कृष्ण महामंत्र का जो कीर्तन है ये जो संकीर्तन है ये शाश्वत है और केवल इस पृथ्वी पर नहीं बल्कि स्वर्ग लोक में वैकुंठ लोक में सभी लोगों में ये संकीर्तन चलता रहता है। तो जो प्रजापति लोगों ने संकीर्तन का आयोजन किया कहां पर? स्वर्ग लोक में। तो जब आयोजन किया सभी को बुलाया, सब देवताओं को बुलाया तो नारद मुनि पहुंचे और नारद मुनि बहुत सुंदर व्यक्ति थे, जवान व्यक्ति थे, अनेक स्त्रियों के साथ वहां पर पहुंचे क्योंकि जहां पर सौंदर्य है जहां पर यश है जहां पर ऐश्वर्य है वहां पर व्यक्ति दूसरे लोगों को दिखाना चाहता है और अलग अलग स्त्रियों के साथ वहां पर पहुंच के संकीर्तन में
तो जब संकीर्तन शुरू किया गया तो उस समय के बंदा उन्होंने कहा गया संकीर्तन करने के लिए। लेकिन भगवान विष्णु का कीर्तन को छोड़कर एक उपकरण जो था वो अन्य गाने गाने लगे। प्रभु जी लिखते हैं वहां पर वो सिंपल गीत गाने लगे। लेकिन वहां तो संकीर्तन चल रहा था तो जो प्रजापति लोग हैं बहुत नाराज हो गए। उन्होंने कहा किस प्रकार का व्यक्ति हो, यहां पर संकीर्तन का आयोजन किया है, यहां पर विश्व का कीर्तन होना चाहिए, इस प्रकार के गीत गा रहे हो। बहुत नाराज हो। तो उन्होंने कहा तुम इस स्वर्गलोक में रहने के लिए लायक नहीं हो, तो इसे जाओ यहां से। और प्रजापति लोगों ने शाप दिया भगवान को, अगले जन्म में तुम्हें दासी पुत्र बनाऊंगा। देखिए लोग सोचते हैं हम स्वर्गलोक में जाएंगे कुछ भी कर सकते हैं, स्वर्गलोक में जाएंगे अनंत काल के लिए आनंद भोग करेंगे, इस प्रकार लोग सोचते हैं। लेकिन जहां भी जाए वहां पर उस नियमों का पालन करना होता है, अपने मनुष्य से नहीं होता है। तो हम देख सकते हैं कि हमारी जो इंद्रियां हैं हम इन इंद्रियों को अपने मनुष्य से उपयोग करना चाहते हैं, अपने स्वयं इंद्रियों के। लेकिन जो ये जो इंद्रिय जो भगवान ने दिया है हमें, ये वास्तव में केवल भगवान की सेवा के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। ऋषिकेश सेवनम भक्ति दूसरे, जो ऋषि है जो इंद्रिया है वो केवल जो इंद्रियों के मालिक ऋषिकेश उनके सेवा में लगाना चाहिए, क्योंकि वास्तव में ये जो इंद्रिय जो है वो हमारे नहीं है। तो हम कैसे जान सकते हैं, कोई कह सकता है ये इंद्रिय तो मैं नियंत्रित कर सकता हूं। लेकिन बात यह है कि अगर किसी वस्तु पर अगर मैं कहता हूं कि कोई वस्तु मेरा है तो इसका मतलब यह है कि मैं उस वस्तु पर पूरी तरह से नियंत्रण करना चाहिए। लेकिन क्या मैं इन इंद्रियों को मैं नियंत्रित कर सकता हूं? मैं सोच सकता हूं कि मैं जो चाहे वो बोल सकता हूं, गा सकता हूं, ये जो आवाज है मेरी वो मेरे इंद्र में है। लेकिन अगर भगवान चाहते और ये जो यहां की जो वोकल कॉर्ड्स जो है इनको भगवान पैरालाइज करेंगे तो क्या होगा, एक शब्द निकलेगा? मैं सोच सकता हूं कि इन हाथों के साथ मैं अनेक कार्य कर सकता हूं, लेकिन ये जो हाथ जो है क्या मेरे नियंत्रण में है? अगर भगवान चाहते हैं तो ये दोनों हाथों का पैरालिसिस और फिर कुछ भी नहीं होगा, कितने भी बलवान हाथ क्यों ना हो कुछ ना भी होगा नहीं होगा। तो क्या ये इंद्रिय मेरे नियंत्रण में है? नहीं, ये इंद्रिय जो है इसके नियंत्रण में, भगवान के नियंत्रण में। तो क्योंकि वो भगवान के नियंत्रण में है तो इसलिए उनकी सेवा में लगाना चाहिए। ये भक्ति है जो हमारे हर एक इंद्रिय जो है, हमारे आंखें जो है, कान जो है, नाक जो है, जिह्वा जो है, हर एक इंद्रिय जो है वो भगवान के हैं, तो इसलिए भगवान की सेवा में इस्तेमाल करना चाहिए। ये भक्ति। तो देखिए ये जो गोवर्धन था उन्होंने सोचा कि
से जान सकता हूं, तू भी जान सकता हूं। और सिनेमा की काम किया स्वर्ग लोग में, लेकिन नतीजा क्या हो गया? अगले जीवन में हमको दासी पुत्र बना। तो अगले जीवन में दासी पुत्र बन गए क्योंकि वो एक पिता भी नहीं थे, बहुत ही गरीब। लेकिन हर एक व्यक्ति जो है, अमीर हो या गरीब हो, हर देश का व्यक्ति, हर समाज का व्यक्ति, पुरुष हो या स्त्री हो, हर एक व्यक्ति बदली कर सकता है। हिंदू हो या मुसलमान हो या क्रिश्चियन हो, भारतीय हो, अमेरिकन हो, यूरोपियन हो, चाइनीज हो, जापानीज हो, हर एक व्यक्ति, इस दुनिया के हर एक व्यक्ति बदली कर सकता है। और इसलिए हम देख सकते हैं से हरे कृष्ण आंदोलन जो है इस विश्व के हर एक कोने कोने में पहुंच गया है, हर एक देश में, हर एक शहर में। आज हमारे आंदोलन में हम देख सकते हैं चाइनीज लोग हैं, जापानीज लोग हैं, रशियन लोग हैं, यूरोपियन, अमेरिकन, सब प्रकार के लोग हैं। क्यों? क्योंकि हर एक चीज का ये अधिकार है भक्ति, क्योंकि हर एक जीव जो है वो भगवान का अंश है। ममे मांसु जीव लोके जीव भूत सनातन, और हर एक जीव का भगवान के साथ एक शाश्वत संबंध है। और हर एक जीव जो इस संबंध को भूल चुका है वापस उस संबंध को स्थापित कर सकता है, कैसे? भक्ति द्वारा। ये हर एक जीव का अधिकार है। तो इसे हम देख सकते हैं हाथ की लाल होनी केवल एक दासी पुत्र थे, लेकिन फिर भी एक महान भक्त बन गए। लेकिन कैसे बन गए? तो हम देखते हैं कि मार्केट में बहुत सारे ऐसे किताब उपलब्ध होते हैं, द गेटवे टू सक्सेस या 9 steps to success। हम किस प्रकार सक्सेसफुल हो सकते हैं, हम किस प्रकार यशस्वी हो सकते हैं, सब लोग जानना चाहते हैं। व्हाट इज सीक्रेट टू सक्सेस, रहस्य क्या है, सफल होने का रहस्य क्या है, सब लोग जानना चाहते हैं। और यहां पर श्रीमद् भागवतम में नारद मुनि स्वयं बता रहे हैं किस प्रकार हम सफल हो सकते हैं। अपने शिष्य व्यास को बता रहे हैं और नारद जी कह रहे हैं कि हालांकि मैं दासी पुत्र था, लेकिन उस समय वहां पर कुछ साधु लोग गुजर रहे थे। और जो साधु लोग होते हैं चातुर्मास के महीने में जो वर्षा ऋतु है, तो इधर उधर घूमने में दिक्कत होती है, तो एक जगह बैठकर अपना भजन करते हैं। तो ये साधु महात्मा लोग जो थे वो ढूंढ रहे थे कहाँ पर हम 4 महीने बिताए। तो उन्होंने देखा कि यहाँ पर एक दासी है और उनको पूछ लिया क्या हम यहाँ पर डर सकते हैं 4 महीने। तो नारद मुनि की माँ ने कहा ठीक है, उनकी रुचि थी साधुओं की सेवा करने के लिए। तो साधु महात्मा लोग ढूंढ रहे वहां पर 4 महीने के लिए। और नारद मुनि की माँ जो हुई तो दासी जो थी वो इन चारों महात्माओं की सेवा करने लगी और सब प्रकार की सेवा कर रही थी, उनके लिए भोजन बनाना, उनके लिए पूजा की सामग्री देना, ज्ञान सब प्रकार की सेवा कर रही थी। और बच्चों का एक स्वभाव होता है, क्या स्वभाव होता है? जो माता पिता करते हैं वो छोटे बच्चे भी उसका नकल करते हैं। बहुत बार हम देखते हैं यहाँ पर मंदिर में माता पिता झुकते हैं तो छोटे बच्चे भी झुक जाते हैं। तो इसलिए एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि माता पिता के लिए उनको एक जिम्मेदार बनना अपने बच्चों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बच्चे लोग जो हैं वो बहुत आसानी से बड़ों का नकल करते हैं।
पिताजी जो है अगर वो सिगरेट फूंकता है और वो बच्चे से कहता है देखो भाई ऐसा नहीं करना, तो ये सिगरेट मत फूंकना इस जीवन में, क्या सुनेगा बच्चा? नहीं, बच्चा वैसा ही करने वाला है। तो इसलिए जो जो कार्य बड़े लोग करते हैं, जो बच्चे हैं उसका नकल करते हैं। तो ये जो नारद मुनि की माँ जो थी वो साधुओं की सेवा कर रही थी, और जो छोटा लड़का जो था वो भी वैसे उनको मदद करने लगा। लेकिन ये छोटा लड़का जो था, हालांकि केवल 5 साल, लेकिन आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए बहुत ही रुचि, बहुत ही गंभीर था। कुछ साधारण बच्चों के समान नहीं था, उसका कुछ खेल कूद में कुछ रुचि नहीं था। तो वो भी अपने मां के साथ इन साधुओं की सेवा करने लगा, और साधु लोग बहुत प्रसन्न हो, और साधु लोग प्रसन्न होकर इस छोटे से बच्चे को अपना जो प्रसाद लेने के बाद अपना उचित प्रदान किया, और इसको पाकर ये छोटा बच्चा जो है उसमें साधुओं की जो अच्छी गुण जो है वो उसे आती है। तो कहा जाता है ये संत जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है हमारे जीवन के लिए। कहा जाता है जैसा संत वैसा है, हम जिस प्रकार के लोगों से संग करते हैं उनका गुण हम मिले आ जाते हैं, ये स्वाभाविक है। तो गीता महात्म्या में एक कहानी आती है, भगवान स्वयं भगवान विष्णु माता लक्ष्मी को ये कहानी बताते हैं। तो भगवान बताते हैं कि एक बार एक व्यक्ति था जिसका नाम था सुशर्मा। तो ये जो सुशर्मा जो था, हालांकि वो एक ब्राह्मण परिवार में उसका जन्म हुआ था, लेकिन कुसंगति के वजह से वो सब तरह के गलत कार्य करने लगा, और अंततः जब वो शरीर छोड़ दिया यमराज के पास गया, यमराज ने कहा ये व्यक्ति बहुत पापी है, इसको नरक में दंड दो। तो सुशर्मा गया नरक में बहुत सालों तक बहुत पीड़ा सहन कर ली, फिर बाद में उसको एक बैल का शरीर प्राप्त हुआ, और ये जो बैल जो था एक बहुत क्रूर व्यक्ति इसको खरीद, और ये जो व्यक्ति था इस बैल के ऊपर बहुत सारा भोजन रखता था हर रोज, और बहुत सारा भोजन इस बैल को डाल रहा था। तो एक दिन जैसे ही ये बैल चल रहा था रस्ते पर, इतना सारा भोजन था उसके ऊपर, तो बहुत थक गया और रस्ते पर गिर पड़ा। तो गांव था, तो गांव में जो कुछ होता है सब लोग इकट्ठा हो जाते हैं। तो सब गांव के लोग इकट्ठा हो गए बैल गिर गया क्या हो गया देखने के लिए, और सब कहने लगे अरे क्या हो गया बैल गिर गया बेहोश गिर गया। तो कुछ पुण्यवान लोग थे वहां पर, तो वो पुण्यवान लोग कहने लगे कि हमारा जो पुण्य है हम इस बैल को दे देते हैं। इस प्रकार नहीं लोग कहने लगे। तो समूह में एक वैश्या थी, तो यह देखा कि बहुत सारे लोग अपने जो पुण्य है इस बैल को दे रहे हैं, तो वैश्या ने कहा कि अगर मैंने मेरे जीवन में कुछ पुण्य किया है तो ये पुण्य जो है मैं इस बैल को दे दूं। और फिर बैल शरीर छोड़ दिया। तो ये आत्मा जो है सुशर्मा का जो आत्मा है वो पहुंच गई यमराज के पास। यमराज ने कहा कि तुम्हारे जितने भी पाप कार्य हैं वो सब नष्ट हो,
आकर्षित हो गए, ये कैसे होंगे? यमराज ने कहा क्योंकि वो जो वैश्या थी, वो वैश्या ने अपना पुण्य दिया तुमको, इसलिए तुम्हारा जितना भी पाप पाप कार्य है वो सब नष्ट हो गया। सुषमा आकर्षित हो गया, क्या वैश्या ने पुण्य किया? किस प्रकार का पुण्य वैश्या ने किया, कैसा संभव है? लेकिन उस पुण्य को पाकर सुषमा फिर से एक ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया, एक ब्राह्मण परिवार में उसे जन्म हुआ। लेकिन वो अपना पिछला जन्म जो है वो पिछला जन्म याद था, बैल का जन्म, और वो ढूंढने लगा कि ये वैश्य कौन थी, कहां रहती है। किसी न किसी प्रकार वो वैश्य का ढूंढ लिया, तो वहां पर जाकर तो वैश्य को उन्होंने बताया कि इस प्रकार पिछले जन्म मेरा इस प्रकार का था। और फिर उन्होंने पूछा वैश्य को कि किस प्रकार का पुण्य किया है जिसके वजह से मुझे अभी ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ है। वैश्य ने कहा मुझे तो बता, मुझे तो बता दे मैंने क्या पुण्य किया। लेकिन एक बात यह है कि मेरे घर में एक तोता है और तोता रोज कुछ उस मंत्र बोलते रहता है, ठीक है? तो सुषमा और वैश्य दोनों अंदर गए, वहां पर पीछे में एक तोता, तो वो तोता से बोलने लगे, किस भाषा में मुझे पता नहीं है, लेकिन वो बोलने लगे तोता से। और तोता को पूछा उन्होंने कि तुम कौन से मंत्र का उच्चारण करते हो और कहां से? तोता ने कहा पिछले जन्म में मैं ब्राह्मण परिवार में था, लेकिन कुछ बुरे कार्यों की वजह से मुझे तोता के शरीर प्राप्त हुआ, और मेरे माता पिता ने जब मैं छोटा था मुझे एक तो छोड़ दिया, चले गए, और मैं ऐसा ही जमीन पर पड़ा हुआ था। उस समय कुछ ऋषिगण वहां से जा रहे थे, तो ऋषियों ने देखा छोटा सा अंकल पड़ा हुआ, तो उन्होंने छोटा सा तोता को लेकर अपने आश्रम में लेकर, तो आश्रम में तोता को पीछे में रख दिया, और वहां कुछ ऋषि पुत्र थे, ऋषियों के पुत्र, और वो हर रोज कुछ मंत्रों का उच्चारण करते थे। कौन से मंत्र? हर रोज वो भगवत गीता में जो पहला अध्याय है, पहला अध्याय के सभी श्लोकों का उच्चारण करते थे, और ये जो तोता जो था वो हर रोज सुन रहा था। और तोता का स्वभाव होता है जो भी सुनता है बहुत जल्दी ही वो पकड़ लेता है, तो तोता सुनकर इन सब श्लोकों को याद कर लिया और वही श्लोकों को नुकसान कर लिया। हालांकि उनका अर्थ न पता हो, लेकिन फिर भी श्लोकों का उच्चारण करता था। लेकिन हम जब भगवत गीता पढ़ते हैं वैसा नहीं होना चाहिए, तो हमें अर्थ के साथ पढ़ना चाहिए। लेकिन ये श्लोकों को वैसा ने सुना, और इसके वजह से वैसा को इतना पुण्य प्राप्त हुआ कि इस पुण्य की वजह से ये जो सुषमा जो था उसके सारे पाप नष्ट। यह है संत कल्याण। तो देखिए तोता का संत किया जिसने वैश्या ने, और जो वैश्या है उसको इतना पुण्य प्राप्त हुआ कि उस पुण्य के फलस्वरूप सुषमा का जितने भी पाप थे सब नष्ट हुए। तो इसलिए ये सब संत जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सत्संग, सत्संग का अर्थ क्या है?
साथ कुछ लोग इकट्ठा हो जाते वो सत्संग हो गया, ऐसा नहीं है। सब का मतलब है परम सत्य। जो लोग परम सत्य को जानने का प्रयास कर रहे हैं उनको कहते हैं संत, और ऐसे लोग जो परम सत्य के खोज में हैं, जो परम सत्य को जानना चाहते हैं, जब उनका संग हम करेंगे वो उसको कहा गया है सत्संग। तो ये जो सत्संग जो है ये अत्यंत महत्वपूर्ण है हमारे जीवन के लिए। अगर हम आध्यात्मिक पद पर आगे बढ़ना चाहते हैं तो ये सत्संग जो है ये अत्यंत महत्वपूर्ण है और जरूरी है, क्योंकि जब हम इस प्रकार का सत्संग करते हैं तो जैसे कि नारदमुनि, हालांकि वो छोटा बच्चा था लेकिन क्योंकि उन्होंने साधुओं का संग किया तो साधुओं का गुण उसमें भी आ गया। तो इसी प्रकार अगर हम हमारे जितने भी बुरे आदतें हैं जो है, हमारे बुरे गुण जो है, अगर हम उनको नष्ट करना चाहते हैं तो यह एकमात्र तरीका क्या है, सत्संग। और ये जानना जरूरी है कि हमारे जीवन में जितने भी तकलीफें हैं, जितने भी क्लेश हैं और पूरे दुनिया में जितने भी तकलीफें हैं, उनका एकमात्र कारण यही है कि हमारे हृदय में सब प्रकार के अनर्थ हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सरी इत्यादि ये सब प्रकार के अनर्थ हैं, और इसके वजह से, इनके वजह से सब प्रकार के कलह, सब प्रकार के युद्ध, सब प्रकार के तकलीफें, सब प्रकार के क्लेशों का कारण यही है। और अगर हम हमारे हृदय में बैठे हुए अनर्थों को नष्ट करना चाहते हैं तो एकमात्र तरीका यही है कि हम सत्संग करें, और इस सत्संग में हम जानें कि किस प्रकार हम इन सब अनर्थों को हम नष्ट कर सकते हैं और आध्यात्मिक पद पर आगे बढ़ सकते हैं। तो इसलिए जो प्रभुपाद जी ने यह हरे कृष्ण आंदोलन में इतने सारे सुंदर मंदिरों की स्थापना की जहां पर हम सत्संग कर सकते हैं, भक्तों का संग का लाभ उठा सकते हैं, ये सत्संग का मतलब। तो नारदमुनि जो है अपने पिछले जन्म में छोटा सा बच्चा था लेकिन क्योंकि उन्होंने साधुओं का संग किया, साधुओं का गुण प्राप्त किया, और वो साधु जो है बहुत प्रसन्न होकर ये छोटे से बच्चे को दिव्य ज्ञान प्रदान किया। उन्होंने ज्ञान प्रदान किया कि किस प्रकार वास्तव में हम कौन हैं, भगवान कौन है, भगवान के साथ हमारा संबंध क्या है, और किस प्रकार हम संबंध को वापस स्थापित कर सकते हैं। ये सब ज्ञान ये साधु महात्मा को उन्होंने इस छोटे से बच्चे को दे दिया। वास्तव में ये सही ज्ञान है। श्री प्रभुपाद जी अमेरिका गए और वहां पर अमेरिका में एक बहुत बड़ा टेक्निकल इंस्टीट्यूट है मैसाचुसेट्स में, MIT मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। वहां पर श्री प्रभुपाद जी प्रवचन करने के बाद श्री प्रभुपाद जी ने कहा कि देखो इस विश्व में इतने बड़े बड़े यूनिवर्सिटी है, इतने बड़े बड़े कॉलेज है, स्कूल्स हैं, लेकिन दिखाओ कहां पर वो संस्था है जहां पर ये शिक्षा दी जा रही है कि वास्तव में हम कौन है। लेकिन इतने सारे बड़े बड़े विश्वविद्यालय हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, लेकिन जो सबसे बेसिक ज्ञान जो है हम कौन हैं, जब हम किसी व्यक्ति को पूछते हैं तुम कौन हो, उत्तर क्या मिलता है? लोग कहते हैं मैं फला फला आदमी हूं, मिस्टर शर्मा हूं, मिस्टर पाटिल हूं, यहां से हूं, वहां से हूं, इत्यादि बोलते हैं, लेकिन वास्तव में तुम कौन हो जब इस प्रश्न का उत्तर हम पूछते हैं लोगों को बताएं। तो अगर मुझे पता ही नहीं कि मैं कौन हूं तो फिर मेरा जीवन का लक्ष्य क्या है वो भी पता नहीं। तो फिर लोग इधर उधर दौड़ रहे, सुबह से रात तक दौड़ रहे इधर उधर, लेकिन लक्ष्य क्या है? ये उसी प्रकार है जैसे कि अगर कोई पायलट पायलट प्लेन चला रहा है और हम उस पायलट को पूछें भाई साहब प्लेन चला रहे हो कहां जा रहे हो, पायलट कहते हैं पता नहीं चला रहा हूं कहां जाएगा, रेगिस्तान। तो वास्तव में स्थिति वैसा ही है, इतने सारे लोग हैं जो घूम रहे हैं,
क्यों पता नहीं, क्योंकि जो वास्तविक ज्ञान है मैं कौन हूं ये ज्ञान भी ज्ञान है। लेकिन भक्तों की कृपा से, साधु महात्माओं की कृपा से एक छोटा सा लड़का जो है, इस लड़का को पता चला कि मैं वास्तविकता में मैं आत्मा हूं, शरीर से पृथक हूं। ये सब ज्ञान इस छोटे से लड़के को मिला। तो इसलिए बहुत जरूरी है यह जानना कि वास्तविकता में सही शिक्षा, सही एजुकेशन क्या है। तो यह शिक्षा प्रदान करना ये बहुत महत्वपूर्ण कर्तव्य है। खुद इस शिक्षा को प्राप्त करना और दूसरों को देना है ज्ञान। ये दिव्य ज्ञान है, दुशासन ज्ञान है, और ये ज्ञान जो है केवल भक्तों के संग में हम पा सकते हैं। तो ये छोटा लड़का जो है इसको पता चल गया, और जब इस प्रकार का दिव्य ज्ञान देने के बाद साधु महात्मा वहां से चल गए। उसके पश्चात एक दिन उनकी जो माँ जो थी, एक दिन वो खेत में गई गाय से दूध निकालने के लिए, और रस्ते में एक सर रस्ते से उनकी माँ की रोटी हो गई। साधारण आप देखते हैं कि जब परिवार में किसी व्यक्ति का मृत्यु हो जाता है तो लोग इतना विलाप करते हैं, रोते हैं, सोचते हैं हमारा ये व्यक्ति चला गया। लेकिन ये छोटा सा लड़का जो था, केवल 5 साल का लड़का, लेकिन जब मां चली गई पूरा ज्ञान हुआ उनको कि वास्तव में आत्मा जो है वो शाश्वत है, केवल शरीर जो है वो नश्वर है। तो इसलिए नारी ने, ये छोटा सा लड़का जो है, उसने सोचा ये भगवान का आदेश है। ये कैसे हुआ, ये साक्षात्कार कैसे हुआ? क्योंकि साधुओं का संग, साधुओं के संग करके उसको ये ज्ञान प्राप्त हुआ, और इसलिए उसको यह साक्षात्कार हुआ कि जो भी होता है जीवन में वो सब भगवान का आयोजन। इस दुनिया में कुछ भी नहीं होता है भगवान की कृपा के बिना, भगवान के आयोजन के बिना कुछ नहीं होता है। हम देख सकते हैं कि किस प्रकार गजेंद्र जो था इतना बड़ा विशाल हाथी था, लेकिन जब मगरमच्छ ने पकड़ लिया उसको, तो हालांकि वो कितना बलवान था, वो केवल वो बलवान नहीं था, लेकिन उसने अपने सब बीवी बच्चे सबको बुलाया, कहा बचाओ बचाओ मुझे, लेकिन क्या कर पाया वही कुछ। जब तक वहां पर भगवान विष्णु नहीं पहुंचे और भगवान विष्णु अपने सुदर्शन के साथ मगरमच्छ को नाश नहीं किया, तब तक उसने तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि वास्तव में हम भगवान के हाथों में केवल एक कुंजी हैं। हम स्वतंत्र होकर कुछ नहीं कर पाते हैं, ये जानना ही अत्यंत जरूरी है। और इस प्रकार हम देख सकते हैं कि छोटा सा लड़का जो है, उन्होंने सोचा कि यह भगवान का आयोजन है, भगवान ने मां को ले लिया और तुरंत अपना घर को त्याग करके घूमने लगा। और छोटा सा बच्चा अनेक अनेक शहर गांव से गुजरने लगा, और फिर अंत में एक बहुत घना जंगल में पहुंच गया, जहां बहुत खूंखार व्यक्ति, भाग, हाथी इत्यादि उस जंगल में थे, लेकिन छोटा सा लड़का जो था बिल्कुल डरे नहीं। पहुंच गया वहां पर जंगल में, और एक बड़े वृक्ष के नीचे बैठ गया। बड़े वृक्ष के नीचे बैठकर वो भगवान की ओर ध्यान दे रहा है। तो जो भगवान का रूप जो है, यहाँ पर हम देख रहे हैं भगवान का सुंदर रूप है, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा, ये रूप जो है वो कुछ काल्पनिक रूप नहीं है, ये रूप जो है ये शास्त्रों में बताया गया है।
और शास्त्रों के अनुसार ये अर्च विग्रह जो है इसको बनाया गया है। तो भगवान का रूप जो हम देखते हैं वो काल्पनिक नहीं है। तो इसी प्रकार क्योंकि ये नारद मुनि यशोदा लंका जो है उसको साधुओं से ज्ञान प्राप्त हुआ कि भगवान का रूप कैसा है, किस प्रकार ध्यान करना चाहिए। तो उस शुद्ध रूप के ऊपर जो परमात्मा रूपी भगवान जो हृदय में रहते हैं उस रूप के ऊपर ये छोटा सा लड़का वट वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान करने का। हम देख सकते हैं आधुनिक दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे योगा सोसाइटी हैं जहां पर लोग ध्यान करते हैं, बैठकर ध्यान करते हैं, लेकिन किस पर ध्यान करना है ना ही नहीं। लोग अलग अलग काल्पनिक चीजों पर ध्यान करते हैं। कोई कहता है मैं कुछ प्रकाश के ऊपर ध्यान करता हूं, कोई कहता है मैं कुछ सर्कस के ऊपर ध्यान करता हूं, कोई कहता है मैं शून्य के ऊपर ध्यान करता हूं। इस प्रकार नाना प्रकार के काल्पनिक चीजों पर लोग ध्यान करते हैं क्योंकि पता ही नहीं किस पर ध्यान करना है। तो एक बार एक व्यक्ति श्री प्रभुपाद जी के पास आया और कहने लगा, स्वामी जी मैं जब ध्यान करने बैठता हूं तो मैं कुछ प्रकाश देखता हूं। तो प्रभुपाद ने कहा, कोई बात नहीं, इस महामंत्र का जप करो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, इस महामंत्र का जप करो और प्रकाश चला जाए। तो इस प्रकार लोगों को पता नहीं किस पर ध्यान करना है, अलग अलग काल में चीजों पर लोग ध्यान करते हैं, लेकिन शास्त्र के आधार पर हमें जानना चाहिए। तो इस प्रकार जब नारद मुनि भगवान के ऊपर ध्यान करने लगे तो साक्षात भगवान विष्णु सामने प्रकट हुए, लेकिन कुछ ही क्षणों के बाद भगवान अदृश्य हो गए। जब भगवान अदृश्य हो गए नारद मुनि विलाप करने लगे और बहुत प्रयास करने लगे कि भगवान कहाँ हो, तो उस समय नारद मुनि भगवान का आवाज सुनाई। भगवान ने कहा, हे नारद, इस जीवन में तुम्हें फिर से मेरा दर्शन नहीं होगा क्योंकि तुम पूरे से पूरी तरह से शुद्ध नहीं हो, तो इसलिए इस जीवन में फिर से मेरा दर्शन नहीं होगा। और नारद मुनि जीवन भर अनेक अनेक तीर्थ स्थान में घूमने के बाद निरंतर भक्ति में जीवन में लगकर पूरी तरह से शुद्ध हो गया। और जीवन के अंत में जब उसने शरीर त्याग किया, वो शुद्ध आत्मा जो है बद्रीनाथ चली गई। और फिर अगला जीवन में वो बने ब्रह्मा जी के पुत्र, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र, और फिर वो बने वो प्रसिद्ध नारद जो अपना वीणा के साथ देकर भ्रमण करते हैं, इस ब्रह्मांड के कोने कोने में जाते हैं और भगवान का ये दिव्य संदेश का प्रचार करते हैं। तो नारद मुनि क्योंकि पूरी तरह से स्वतंत्र हैं, क्योंकि भगवान स्वतंत्र हैं, भगवान पूरी तरह से स्वराट हैं, और जो उनके शुद्ध भक्त होते हैं वो भी पूरी तरह से स्वराट होते हैं। तो इसलिए नारद मुनि भ्रमण करने लगे पूरे विश्व भर में और नाना प्रकार के लोगों को ज्ञान देते हुए, दिव्य ज्ञान देते हुए उनको पहुंचाया। हम देख सकते हैं नारद मुनि कितने लोगों का उद्धार किया उन्होंने। जैसे कि हम देखते हैं जो वाल्मीकि था, पिछले जन्म में क्या था, बहुत बड़ा चोर था, लोगों को लूटता था, मारता था, लेकिन जब नारद मुनि का संत प्राप्त हुआ फिर वो बन के वाल्मीकि जिन्होंने रामायण की रचना। इस प्रकार भृगारी जो शिकारी थे, जो पशुओं को आटा मारकर उनको तड़पते हुए देखकर बहुत आनंद लेता था, ऐसे भृगारी नारद मुनि का संग पाकर पूरी तरह से शुद्ध होकर एक बहुत बड़ा महान संत बन गए। उसी प्रकार जो छोटे बालक थे जैसे ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज, उनको कितना संत प्राप्त हुआ, नारद मुनि का संत प्राप्त हुआ, और उस छोटे से उम्र में ही बहुत बड़े महान वैश्य बन गए। उसी प्रकार अनेक अनेक राजाएं हुए जैसे चित्रकेतु महाराज,
प्राचीन परिषद इत्यादि अनेक राजा हुए जिनको राजभूमि का सन प्राप्त करके बहुत सुंदर बन गए। इस प्रकार नारदमुनि आप देखते हैं, हालांकि वो एक दासी पुत्र थे, अज्ञानी थे, अनपढ़ थे, कुछ भी योग्यता नहीं थी, लेकिन फिर भी महान संतों के संग से वो इतने बार महान संत बन गए और कुछ संत बनकर अनेक लोगों को इस ब्रह्मांड में महान संत बनाए। यह होता है संतों का संग, इसको कहते हैं सत्संग। यह सत्संग का नाम होता है, जो सत्संग होता है, ऐसा नहीं कि संतों का संग जो है, साधुओं का संग जो है, भक्तों का संग जो है, वो केवल सामने एक बार होना चाहिए। कितने बार होना चाहिए? जितना हो उतना। इस बार की दुनिया में हम देखते हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति अपने अपने क्षेत्र में सफलता पाना चाहता है तो वो संग बनाता है। हम देखते हैं इस दुनिया में लोगों का इंजीनियर्स का एक संघ होता है, मेडिकल लोगों का एक संघ होता है, मेडिकल एसोसिएशन होता है, पंजाबी लोगों का पंजाबी एसोसिएशन होता है, सिंधी लोगों का एसोसिएशन होता है, लोगों का एसोसिएशन बनाते हैं। किसने बनाते हैं? ताकि वो अपने अपने क्षेत्र में सफल हो जाए। तो इसी प्रकार अगर हम भक्ति में सफल होना चाहते हैं, आगे अपने क्षेत्र में सफल होना चाहते हैं, तो साधुओं का संघ जो है, भक्तों का संघ जो है, ये अनिवार्य है। तो हम देखते हैं कि ये जो संघ जो है कितना प्रभावशाली है कि कोई भी व्यक्ति इस संघ में आकर वो सफल हो सकता है। तो इसलिए श्री प्रभुपाद जी ने अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना पर संघ स्थापना किया। क्यों? क्योंकि जो भक्तों का संघ का लाभ उठाए और हमारा मनुष्य जीवन है, इस मनुष्य जीवन को परिपूर्ण बनाए। तो जिस प्रकार नारद मुनि पूरी तरह से शुद्ध होकर पूरे विश्व में भ्रमण किया, उसी प्रकार श्री प्रभुपाद जी ने नारद मुनि की तरह इस पूरे विश्व में भ्रमण किया। हम देखते हैं इसलिए श्री प्रभुपाद जी को भी कहा गया है चेक एज नारद मुनि, इस आधुनिक दुनिया के नारद मुनि है। कौन? श्री प्रभुपाद। और हम देखते हैं कि श्री प्रभुपाद जी इस पूरे विश्व में करीब 10-12 टाइम इस पूरे विश्व में भ्रमण करके कितने नाना प्रकार के लोगों को उद्धार किया। जो हिप्पी लोग हैं, जो सब प्रकार के नशा करते थे, ऐसे लोगों को अभी उद्धार किया, महान वैष्णव बन गए। और आज हम देखते हैं कि श्री प्रभुपाद जी के पास से चाइनीज लोग, जापानीज लोग, रशियन लोग, सब प्रकार के लोग इस भक्ति को अपना कर अपने जीवन को शुद्ध करते हैं। तो इससे हम देख सकते हैं कि ये जो भक्ति का जो प्रोसेस जो है, पद्धति जो है, ये अत्यंत प्रभावशाली है। और अगर हम इस प्रोसेस को अपनाते हैं तो इस मनुष्य जीवन को सफल बना सकते हैं। और भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु और श्री प्रभुपाद की कृपा से इस भक्ति का जो पद्धति है बहुत ही सरल बनाया है। जैसे श्री प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये जो पद्धति क्या है, केवल चैंटिंग, डांसिंग, फीसिंग, बस। अब चैंटिंग करने के लिए क्या लगता है? पैसा लगता है? हाँ, पैसा लगता है। कोई भी चैंटिंग कर सकता है। प्रभुपाद जी कहते थे जीवा है, काम है, चैंटिंग कर सकता है। और इतने सारे लोग हैं गाने के लिए और नृत्य करने के लिए, कहीं डिस्कोटेक में जाते हैं, इतना पैसा देते हैं डांस करने के लिए। और यहाँ हम हरे कृष्ण आंदोलन में, हरे कृष्ण सेंटर्स में बुलाते हैं, आओ फ्री में डांस करो, पैसे देने की जरूरत नहीं है, जाओ नाचो जितना चाहे। तो देखिए, और फिर पूछा कितना आसान तरीका है, कितना आसान प्रोसेस है। तो क्या दिक्कत है इस वक्त? कोई भी व्यक्ति, छोटा हो बड़ा हो, किसी भी देश से, कहीं से भी, कोई भी व्यक्ति इस प्रोसेस को अपनाकर अपना मनुष्य जीवन को पूरी तरह से शुद्ध बनाकर, जो वैकुंठ लोग हैं, जो आध्यात्मिक जगत हैं, उस आध्यात्मिक जगत को। तो इस तरह जिस प्रकार
नारद मुनि हालांकि वो दासी पुत्र थे, केवल इस पद्धति को अपनाने से, भक्ति का पद्धति को अपनाने से पूरी तरह से शुद्ध हो गया। इसी प्रकार हमें भी यह सौभाग्य है प्रभु की कृपा से कि हम भी इस भक्ति का जो पद्धति है इसको अपना सकते हैं और हमारा जो मनुष्य जीवन है इसको पूरी तरह से। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।